गाड़ी होती तो आप धोते। गुड मॉर्निंग, तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन के साथ। तो भाई देखो, ब्यूटीफुल सी है आज सुबेरे सुबेरे, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। तकरीबन हमें ना यह बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे एमपी में लगता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होते ही ना हुमस होती है, ना ही होता है किसी तरीके का पसीना वगैरह। तो यहाँ पर कहीं जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में देखो कितनी बारिश पड़ती रही, लेकिन गर्मी से पूरा सीना भीगा रहेगा। इधर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 हुए हैं, और मैं अभी जस्ट पहले मैं उठ गया था 6 बजे ही। लेकिन जैसा कि आपको तकरीबन पता है, मैं आ गया था कल रात को, यहाँ आया था, मेरे को बज गए थे 11 खाना होना खाते हुए। तो मैं जैसे ही फटाफट यहाँ 10:30 के समथिंग आया और फटाफट मैंने खाना खा के और मैं लेटा नहीं था, थोड़ी एडिटिंग में लगा। तो जैसा कि पता होता है कि सुबह से शाम तक गाड़ी चलाते चलाते, क्योंकि उससे एक दिन पहले जब मैं लखनऊ से चला था तो रात को 3 बजे उठा था वहाँ से। 3 बजे उठ के पहली गाड़ी हमने लोड करी सुबह 5 बजे, दूसरी गाड़ी हमने लोड करी सुबह 6:30-7 बजे समथिंग, जो भी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया। अभी एक बार बताओ, सुबह आप लोग जानते हो कि सुबह से अगर 3 बजे कोई बंदा उठा हुआ हो, वो तो कल शाम को हमने 3 बजे से 5 बजे तक सो गए थे, अगर कल सुबह से बंदा कोई 3 बजे से उठा हुआ हो तो रात को 11 बजे तक कैसे वो कंटिन्यू है कि सीट पे बैठा हुआ और कहां से कहां आ जाता है। अब आज ये बताओ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताना मेरे को, जो भी है कमेंट्स बॉक्स में लिखना, यहाँ से लखनऊ से आप सर्च करना और आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना कि कल मैंने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो समथिंग मैं लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी, और झांसी से मैं खड़ा हूँ अभी सागर पार करके, सागर से 10-12 किलोमीटर आगे हूँ, जिसमें कि ये 3 होटल एक साथ हैं। देखो ये एक वो होटल है, एक जिसपे मैं खड़ा हूँ और एक सामने उधर वो होटल। मेरे चलने के बाद रात को 10:30 बजे तक यहाँ तक हो तो कैसे भाई, कैसे एडिटिंग करूँ। एडिटिंग करते करते मुंह पे मोबाइल 2 बार गिर जाता है। क्या बोला तूने? कई बार जैसे लेट के करते हैं और कई करते हैं कि हम लोग भाई बैठे बैठे कर ले, तो बैठे बैठे तो होता नहीं, क्योंकि भाई जब जैसे इतनी चलते हैं तो लेटने का मन करता है। तो लेटे लेटे फिर मैंने एडिटिंग करी, तो 2-3 बार मोबाइल मुंह पे गिरा, फिर मैंने रख दिया। मैंने भैया सो जा, सवेरे देखेंगे। तो सुबह 6 बजे उठते ही फ्रेश हुआ, चाय पी, सबसे पहले मैं लग गया एडिटिंग। ये देखो ये खड़ा है अपना बहादुर। सब दोस्तों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पिछले जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने अपने कमेंट्स बॉक्स में आपको यस ब्रदर लिखने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा लगता है कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ लिखते हैं, फिर मैं कुछ कमेंट्स लेट हो जाते हैं जिसको मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अकेला आदमी कुछ ना कुछ दिमाग में यहाँ चलता रहता है, कुछ ना कुछ करना हो। तो फिलहाल मैं चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 8:15 हो गए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। और ये हमारा शेर बहादुर उड़ने को यार उड़ने को नहीं, नहीं नहीं उड़ाना नहीं है, रोड पे ही चलने दो हमें। कपड़ों की हालत देखो, हम लोगों का भी कमाल है ना। वैसे आदमी और औरत में यही फर्क होता है, आदमी बेचारा कपड़े उपड़े धोता है ऐसे पटक देता है, मेरी सारे कपड़ों की हालत ऐसी पड़ी है। आते हैं कपड़े कल धोए थे, उसको तय करने का भी टाइम नहीं है, उसको ऐसे पटका हुआ। चेक कर वो, देखो भाई अपना वो मोटरसाइकिल चेक कर रहा है। अबे कार तो हमारे पास भी है, मैं भी चेक कर लूं क्योंकि कल खड्डे बहुत थे। देखो भाई टाइट है, ये भी टाइट है, वो भी लगी हुई है, इसकी भी दोनों लगी हुई है। तो देखा, मैं मारू बेल्ट और बेल्ट खुल नहीं सकती है, टूट जाएगी, ये पक्का है। तो चलो चलते हैं। होटल से निकले नहीं कि बारिश शुरू। ये देखो हमारी बारिश का भी जवाब नहीं, तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ से नरसिंहपुर रह गया है अभी 60 किलोमीटर के समथिंग है यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ कर लेते, 10:30 बज गए हैं, तो नाश्ता वगैरह करके फिर चलते हैं। जाओ तो एक दे रहा यार, पकौड़ी दे दो, समोसा दे। तो भैया ये है अभी महाराजपुर और यहाँ रुके हैं। देखो ये सर्विस रोड है ना, सर्विस रोड पे गाड़ी सारी रेडिया लगी हुई है, और ये बेचारे परेशान हो गए रेडी वाले, उनने कुछ मांगा होगा, इनने कुछ दिया होगा, अलग अलग मैटर बन गया। तो फिलहाल भैया ये नाश्ता करते। अच्छा मठानिया का अपने थे मठा दो यार, मठा भाई हमारी बुंदेली में क्या होता है, इसे मठा जैसे लस्सी
होता है तो हमारे यहाँ मठा बोलते हैं। मजा आ गया भाई, एकदम नंबर टेस्ट बना रखा है ये। इन्होंने इसमें एक कचौड़ी डाली हुई है और ये मठा है। ये अपने यहाँ देसी चटनी है, लाल चटनी नहीं, देसी चटनी। A few moments later. दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं अब पहुंच गया हूं नरसिंहपुर। ये आगे लखना डॉन से पहले पड़ता है नरसिंहपुर, और इधर से जब हम सागर साइड से आएंगे तो नरसिंहपुर आता है, और उसके बाद राजमार्ग के बाद, तो राजमार्ग हमने पार किया, राजमार्ग के बाद नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद लखना डॉन आएगा आगे। तो उससे पहले हम चल रहे हैं एक छोटे से घाट पे, यहाँ छोटी छोटी चढ़ाइयाँ हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब घाट टाइप ही। अब तो रोड बन जाता तो उतना फर्क नहीं पता लगता है। देखो कितनी खूबसूरत सी जगह है, आगे सारे ट्रक वाले एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में लगे हुए हैं, देखो ट्रैफिक दिख रहा है। तो यहाँ के कुछ खड्डे बारिशों में इतने बुरे हो गए हैं ना कि गाड़ी हमारी गिरती है ना तो अंदर का ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे मुंह से कुछ बाहर आ जाएगा। बस खड्डों से हार मान गया। जंगल है, कभी जब नाइट में आएंगे ना तो नाइट में जब मैं अपने कैमरे अपने फोन को अपग्रेड करूंगा, अपना फोन लूंगा नया, जब फोन के कैमरा अपग्रेड होगा ना तब इस जगह का नाइट का लुक देखना, नाइट में और शानदार लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं दिखाई देगा लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। तो ये सतनाम ढाबे पे रुकते हैं और ये तो अभी नहा धोके रेडी हो जाएंगे। अभी क्या है ना, आधा घंटा, अब यहाँ पर 3:30 हो ही गए तो शाम तक हमें पहुँचने में टाइम हो जाएगा नागपुर, और खाली मुश्किल से होगी, हो जाएगी जो होना होगा। तो भाई नहा धोके हो गए रेडी, अभी क्या है फटाफट खाना मंगा लेते हैं, लगभग 4:30 बजने वाले हैं तो लेट हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि रात को 9-10 बजे के आसपास पहुँच पाएंगे। 200 किलोमीटर है अभी यहाँ से, तो 200 किलोमीटर और हमको जाना हैदराबाद रोड, तो हैदराबाद रोड पर जाके गाड़ी खाली होगी। ले भाई आज का खाना, तो ये हमारा खाना आ गया, चना मसाला और ये है सलाद, देखो चटनी भी है इसमें। तो भाई खाना फिनिश और खाना ना 130 पानी जोड़ लो, 150 खोल दीजिए भैया, अभी 130 रुपए खोलने कैसे दूंगा आप ये बताओ, मुझ पे है नहीं है, मुझ पे फोन पे डाल दीजिए, नहीं मैं फोन पे ही नहीं चलाता, कैसे करता हूँ जो करता है, बिल्कुल खुले नहीं है। अभी 70 रुपए का सामान लेके गया था, वही 100 का नोट पता था खुला, ये देखो वाला खुल ले, अभी खुल लेंगे कमाल करते। तो नहीं नहीं समझे नहीं, नहीं मेरे तो जेब में नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारे हाथ में दिखा रहे सारे पैसे। अच्छा 100 के उठना जब मिलेगा, अरे यार बताओ ये तो फिर गलत बात है ना। ये है सतनाम ढाबा, ये सरदार जी का है, और यहाँ पर ये पिपरिया जगह नाम है पिपरिया। तो भाई लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है, पीछे सारे तरफ खेती खेत है, तुम देखोगे इधर से दिखेगा पूरा पीछे सब कुछ खेत है, और उधर भी रोड के उस तरफ भी खेत खेत है। मिर्ची खा ली यार, दो मिर्ची खा गया ना ऐसा लग रहा है, जब गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है, थोड़ा साफ सफाई जब होगी, जब थोड़ा बारिश कम होगी, क्योंकि फिर मैं धुलवा लूंगा, फिर धुलवाने का, क्योंकि छोटी मोटी गाड़ी तो है नहीं कि जो रोज धुल जाए, ये एक बार धुलती है तो कम से कम 500 रुपए इसका, 500 रुपए तो धुलाई, 500 से ज्यादा है, 700 रुपए धुलाई है, तो गैरेज में धुलवाते हैं तो वो बात अलग होती है, बाकी गैरेज में अपने यहाँ धुलती है नहीं, अभी पानी के चक्कर में कोई नहीं धोता, तो अभी गंदी है। तो इस बात पे मुझे एक कमेंट मैंने पढ़ा था 3-4 दिन पहले, जिस दिन मैंने ये गाड़ी धोई थी और सामने से डाला था, तो उन्होंने कमेंट में किया था कि भाई आपकी गाड़ी होती तो आप धोते। भाई साहब आप जो भी हैं बहुत अच्छा कमेंट आपने किया, अच्छा लगा आपको गाड़ी हमारे ट्रक के लिए, आपको थोड़ी हमदर्दी है, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, इतनी बारिश के अंदर कौन अपना सिंगल मोटर मालिक भी ना अपनी गाड़ी को रोज नहीं धो पाएगा। ये कोई कार तो है नहीं कि लिया कपड़ा मार दिया बिल्कुल साफ हो जाएगी, यहाँ पर आधे आधे घंटे में बारिश हो रही है, रोड पे चलते आधे आधे घंटे में बारिश हो रही है, अब बताओ यहाँ कैसे हम इसकी सफाई करें। और ये छोटा मोटा आप यहाँ से लेकर अगर वहां तक खाली वन साइड अगर
खाली वन साइड अगर आदमी कपड़ा मारेगा ना तो उसे कम से कम 15 मिनट लगेंगे एक साइड से कपड़ा मारने में, पानी मारने में, सब कुछ मारने में, तब दिखाई देगा कि हाँ भाई गाड़ी धुली है। और वो भी 15 मिनट में, ये कह रहा हूँ जहां तक हाथ पहुंचेगा वहां तक। अगर पूरा पूरा धोएगा तो एक वन साइड में आधा घंटा लगेगा। चलो थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी पेट भर गया, खाओ चलूंगा तो नींद आने लगेगी। चलो दोस्तों, तो चलते हैं अपने टारगेट की ओर जो कि हमें करना है पूरा आज। आज सोच रहा हूँ मैं, अभी मेरे मन में ये तो चल रहा है कि अगर मैं रात को गाड़ी ले लेता हूँ तो फिर मुझे रात को उधर खड़ी करने की दिक्कत रहेगी। अगर अभी मैं पहले वहां बात कर लेता हूँ VRL में, क्योंकि उनके जो गोडाउन होते हैं, इनके हर एक शहर में गोडाउन है VRL के, VRL के कह रहा हूँ VRL याद आ गई, ये इनका अग्रवाल का, अग्रवाल जी है, अग्रवाल जो पैकर्स है, इनका भी हर जगह ही इनका भी गोडाउन है। तो मैं गोडाउन पे पहले कॉल कर लेता हूँ कि वहाँ पार्किंग है तो रात में चल देंगे, नहीं है तो फिर ऐसे टाइम से जाएंगे सवेरे जो उनकी गाड़ी ले ले, फिर वहां से हम अपने हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएं। तो चलो चलते हैं। देखो दोस्तों, मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ पिछले 5 मिनट से, पूरे दोनों पट्टी दोनों रोड पे इसका एक मतलब दोनों जो लाइन है वो दोनों कवर कर रखी, कितना मतलब ओवर, इसे ओडीसी माल बोलते हैं, ओवर साइज वेट वाला माल होता है, ओवर साइज वाला, तो इसे ओडीसी बोलते हैं। देखो दोनों तरफ, और ये गाड़ी है काफी भारी टन की, हाइट भी बहुत है, हमारी गाड़ी से भी हाइट ज्यादा है, और दोनों रोड कवर कर रखी है, मतलब दोनों लाइन। ये बड़ा आराम से निकालना पड़ रहा है उसको, अब वो साइड करेगा तब सारा ट्रैफिक रिलीज होगा, काफी ट्रैफिक हो गया हमारे पीछे। अब बताओ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, हम देखो घूम घगरे वाली है तेरे मोटे मोटे नैन, मोटे मोटे नैन। तो भाई लोग शाम के बज गए हैं, अबे मैं बज गया तो भूल ही जाता हूँ, तो भाई लोग शाम के बज गए हैं 7:15 और हम पहुंचे अभी खवासा से पीछे हैं। तो अभी फिलहाल है ना कुछ सामान ले लेते हैं, मेरे को शीशे साफ करने हैं तो शैम्पू डाल लूं, शैम्पू नहीं है उसमें, जरा शैम्पू दे देना। लो भाई मुझे करने थे गाड़ी के शीशे साफ, तो इनके पास शैम्पू भी नहीं है। अब क्या है ना, शैम्पू सिर्फ क्लिनिक प्लस ही चलता है, क्लिनिक प्लस सबसे बेस्ट शैम्पू है, एक शैम्पू डाला डेढ़ शैम्पू आराम से चलाते रहो, अच्छी बढ़िया शैम्पू है गाड़ी के शीशे साफ करने के लिए सिर्फ। मैं तो लगाता ही नहीं हूँ शैम्पू, मुझे लगानी नहीं, जब से हमारे बाल जड़े हैं हमें शैम्पू साबुन इन सब से नफरत हो गई है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं 50-55 वाले लगाता था शैम्पू साबुन और ये हेड एंड शोल्डर पता नहीं क्या क्या कौन कौन से शैम्पू मैंने लगाए, मुझे खुद पता है लेकिन क्या करूं? छोड़ो, डब जो इतना महंगा शैम्पू है साला किसी काम का नहीं है, खाली नाम का है। दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 और मैं अभी गाड़ी से बाहर आया हूँ, और मैंने अभी ना यहाँ पर गाड़ी लगा से जो बॉर्डर है ना महाराष्ट्र का, थोड़ा सा है 10-12 किलोमीटर आगे है, क्या ज्यादा नहीं रह गया नागपुर मेरे लिए, जो मेरे को जगह पे जाना है वहाँ रह गया है 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो 2 घंटे का रास्ता है, तो सुबह चलेंगे यहाँ से। अभी क्या है, अभी यहाँ सो जाते हैं और सुबह उठ के आराम से टाइम से 5-4 बजे जब नींद खुलेगी जब चल देंगे। तो फिलहाल अभी क्या है, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाना मैंने खा लिया था 4 बजे, तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल है और खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। यहाँ क्या है, इसके पास पार्किंग, इस होटल पे बहुत बड़ी पार्किंग है, तो उसमें एक साइड में सारे टेलर ही लगे हुए हैं, ये देख रहे हो सारे जो कार टेलर ही लगे हुए हैं, उस साइड में जो लगाएंगे ये लोग छोटी गाड़ी लगाएंगे, तो देखो वो जा रही है वो साइड में, उस साइड में लगाएंगे वो छोटी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं करूँगा एडिटिंग, और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 10, मुझे एडिटिंग करते करते 12-1 बज जाएगा, ठीक है। तो चलो इस ब्लॉग को करते ही एंड, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो गुड नाइट, बाय बाय, हम मिलते हैं कल।